हेलो व्यूअर्स, मैं हूं हमाद अली और हमारे कोर्स जावा फॉर बिगिनर्स का आज का टॉपिक है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ बेसिकली हम उसको कहते हैं कि हमारे पास अगर एक इफ का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है और उसकी बॉडी या उसका जो हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उस स्ट्रक्चर के अंदर हम जो स्टेटमेंट डिफाइन करें वो भी एक इफ स्ट्रक्चर है तो उसको हम बेसिकली नेस्टेड इफ बोलते हैं। बेसिकली जो हमारे पास इनर स्ट्रक्चर है उसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इफ है, इफ कंडीशन, इफ स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हमने एक कंडीशन अप्लाई की हुई है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो स्ट्रक्चर के अंदर आएगा, स्ट्रक्चर के अंदर आएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थ्री डॉट्स के साथ हमने डिफाइन करने की कोशिश की है कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, लेकिन उसके अंदर एक और एक इफ का स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है। तो जो इनर स्ट्रक्चर है इसको हम बेसिकली बोलते हैं नेस्टेड इफ। आइए अब इसको हम थोड़ा सा एडिटर पे प्रैक्टिस करके देखते हैं और हमें ये किन सिचुएशंस के अंदर नॉर्मली हेल्पफुल रहता है वो भी देख लेते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे कुछ वैल्यू जो है वो यूज़र से ले लेते हैं। वैल्यूज़ हम कैसे लेते हैं ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ये कुछ कमांड है, इनको अभी फ़िलहाल हम एज इट इज़ लेके चल रहे हैं और आने आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इनको इंशाल्लाह एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है जी, हमने एक वेरिएबल ए ले लिया, एक बी ले लिया और एक हम लेट से दो वेरिएबल से ही हम अपना काम चला रहे हैं। यहाँ पे लेट से हम ये देखना चाह रहे हैं कि यूज़र ने जो दो वैल्यूज़ इंसर्ट की हैं क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं या इक्वल नहीं है। तो इसके लिए हम अगर इफ़ कंडीशन लगाएंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे इफ़ और उसके बाद लिखेंगे इफ़ ए इज़ इक्वल टू, डबल इक्वल का साइन लगाएंगे इक्वालिटी के लिए, जावा का सिंटैक्स है। तो हम कहेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे हम लिखेंगे बोथ इक्वल। और लेट से हम कहते हैं कि एल्स के अंदर नॉट इक्वल। ये हम वो सादा सा इफ एल्स देख रहे हैं जो कि हम ऑलरेडी चला चुके हैं और इसको हम एक दफा एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं सिनेरियो को, उसके बाद फिर हम नेस्टेड इफ को भी देखते हैं। यहाँ पे हमसे ये वैल्यू रिक्वायर करेगा, पहले मैं ए की वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं बी की वैल्यू इंसर्ट करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे बता रहा है कि बोथ आर नॉट इक्वल। अगर मैं इसी को दोबारा एग्जीक्यूट करवाता हूँ और उसके बाद मैं दोनों वैल्यू सिमिलर दे देता हूँ तो मुझे ये बता देता है बोथ आर इक्वल। लेट से हमने ये देखना हो कि अगर ये वैल्यूज इक्वल नहीं है, अगर ये बोथ इक्वल नहीं है तो फिर मुझे ये देखना है कि इनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा। तो मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर लगा दिया इफ नॉट इक्वल टू बी, इट्स मीन के बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है जी, तो इसको मैं यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर लिख सकता हूँ बोथ आर नॉट इक्वल, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि दोनों में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा। एक चीज तो गारंटी है कि दोनों में से कोई एक बड़ा है। तो यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लगा देता हूँ इफ ए इज ग्रेटर देन बी, नॉट इक्वल
And I can say that A is greater than B. और else केस में मैं कह सकता हूं B is greater than A. ठीक है जी, अगर मेरी ये पहली इफ कंडीशन ट्रू होती है, और ट्रू कब होगी जब दोनों इक्वल नहीं है, तो मैं प्रिंट करवा सकता हूं कि बोथ आर नॉट इक्वल. अब जब बोथ इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है इनमें से कोई एक बड़ा है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले इफ कंडीशन उसके नीचे लगाई है, तो उसके अंदर अब देख रहे हैं कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी. और अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो इसका काउंटर पार्ट एल्स चलेगा और वो हम बता देगा कि बी ग्रेटर है ए से. इसको हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं कि ए जो है वो ग्रेटर है और ए जो है वो इक्वल भी नहीं है. तो अगर ये ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है तो इट्स मीन कि अगर ए ग्रेटर नहीं है तो फिर बी ग्रेटर है. इसी तरह अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, इट्स मीन के बोथ आर इक्वल. तो इसको हम रन करके भी देख लेते हैं. अगर मैंने दोनों वैल्यू सेम दिए तो उसने ये हमारी आखिरी स्टेटमेंट को चला दिया है कि बोथ आर इक्वल. अगर मैं इसकी जगह पे कुछ डिफरेंट वैल्यूज देता हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने 5 दिया फिर 7 दिया, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो उसने बताया कि बोथ आर नॉट इक्वल और उसके बाद बताया कि बी इज ग्रेटर देन ए. ठीक है जी, इसी तरह मैं दोबारा से इसको चला के दिखा देता हूँ आपको. इस दफा हमारी ए की वैल्यू हम बड़ी रख लेते हैं और बी की वैल्यू छोटी रख देते हैं, तो आप देखेंगे कि ये हमें बता रहा है कि बोथ आर नॉट इक्वल, ए इज ग्रेटर देन बी. ठीक है व्यूअर्स, नेस्टेड इफ के लिए अभी तक इतना ही. उसके बाद हम अगला टॉपिक की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अभी के लिए थैंक यू.